यूपी की सियासत में नारे गढ़ने के मामले में समाजवादी पार्टी अव्वल है। पार्टी ने अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा नारे दिए। इस बार नारों में मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश छाए हुए हैं। निर्वाचन लड़ते हैं नारे, चाटे से जड़ते हैं नारे, सत्ता की दस्तक है नारे, कुर्सी का मस्तक है नारे। गांव गली शहरों में नारे, सागर की लहरों में नारे, केसर की क्यारी में नारे, घर की फुलवारी में नारे। कवि हरिओम पवार ने यूं ही नारों पर पूरी कविता नहीं लिख डाली। ये नारे ही तो हैं पार्टियों की चाल, सपनों का माया जाल, नेताजी की स्टाइल, चेहरे पर स्माइल, हसरते लाजवाब, रेगिस्तान में खिलते गुलाब, कुर्ते का क्रीज, कमीज की खीज, तनते मूछ, तनता सीना, बहता पसीना, उसकी मीठी स्वाद, सत्ता की सनक और कुर्सी की ललक। ये नारे हैं चुनावी नारे। जीपी आंदोलन के समय दुष्यंत कुमार की एक किताब आई थी साये में धूप, गजलों की, तो उसके हर शेर को नारे बना दिए गए थे। जैसे एक बूढ़ा मुल्क मियां यू कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, जीपी के लिए कहा गया। इंदिरा गांधी के लिए कहा गया, उनके पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी उन्हें यकीन नहीं। ये नारों में था, ये नारों में तब्दील हो गए तमाम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, तो ये राजनीतिक कार्यकर्ता नेता भाषण देते थे तो यहीं से शुरू करते थे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस अंधे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मौसम चुनावी है और मिजाज चुनावी बनाने में नारों का योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक से एक धुरंधर, एक से एक शुरमा और सामने है 25 करोड़ से ज्यादा वोटर। 25 करोड़ लोगों को जीतने का मतलब है देश का एक चौथाई मन जीत लेना, मतलब है कि आप दिल्ली की आधी गद्दी जीतने का ख्वाब देख सकते हैं, मतलब है कि देश माने या ना माने आप खुद को देश में सबसे बड़ा नेता मान सकते हैं, मतलब है हुजूर आप ही आप, आपके सिवा दूसरा कौन, मतलब है आपको ये भी गलतफहमी पालने का पूरा अधिकार है। अब खास तौर से आपने 70 के दशक की बात की, तो 70 के दशक में के पहले मैं थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा कि एक नारा हुआ करता था कि जय जवान जय किसान। ये किसी दल का नारा नहीं था, एक सरकार का नारा था। ये पूरे देश में पॉपुलर रहा, अभी तक वो नारे लगाए जाते हैं, फिल्मों में तमाम उसके हुए। इसी तरह अगर आप देखें तो उस दौरान जो सोशलिस्ट पार्टी थी, बरगद जिसका चुनाव चिन्ह होता था डॉक्टर लोहिया, तो उनके कुछ नारे बहुत ही लोकप्रिय हुए। इसी समय भारतीय जनसंघ का दीपक था, दीपक में वो सूख गया तेल, उजाले नहीं है ऐसे। सबसे पहले बात यूपी की सत्ता पर बैठी सपा की। सपा भी नारों के सहारे है, पार्टी के नारेबाज कमर कसकर तैयार हैं, कर ही देते हैं आर पार, चाहे इस पार या उस पार। बांधो पार्टी का पट्टा और बोलो विकास का पहिया अखिलेश भैया। चौकिए मत, अब मुलायम पर कहां नारे लगते हैं, इस बार तो नारे अखिलेश के छाए हुए हैं। अब तक जवानी देश पर कुर्बान होते देखी, माँ और माटी के लिए कुर्बान हुई, ना जाने कितने मजनू कितने लैला पर ये जवानी कुर्बान कर बैठे, पर यहाँ अखिलेश के लिए कार्यकर्ता जान और जवानी दोनों कुर्बान करने को तैयार है।
युवा तुर्क के तार छेड़कर अखिलेश ने पार्टी के युवाओं के मन पर ऐसा कब्जा किया कि ये नारों की शक्ल में बदल गए। पार्टी ने नारा दिया, ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश, सिर्फ अखिलेश। तो इसके साथ ही एक और नारा मिला, यूपी की मजबूरी है, अखिलेश यादव जरूरी। भाभी के बगैर भैया अधूरे थे, अधूरा कैंपेन था, लड़ाई अधूरी थी, अधूरी जीत है, इसलिए लो भाभी को भी उतार दिया नारों के साथ। जीत की चाबी डिंपल भाभी, जिसका जलवा कायम है, नाम मुलायम है। 1989 में इसी नारे के साथ सपा सरकार में आई, पर अब वो जलवा कहां? 90 के दशक में जिस मुलायम के बगैर नारे पूरे नहीं होते थे, आज मुलायम गायब है उन्हीं नारों से। मुलायम के लिए नारे लगाने वाली जुबां बोलने लगी, अखिलेश का जलवा कायम है, उनका बाप मुलायम है। आज उनके सामने उनके बेटे की जय जयकार वाले नारे लग रहे हैं, मुलायम ना चाहते हुए भी सुन रहे हैं, जय 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 अखिलेश। ज्यादा नारे हैं, अब तो एक नारा आ गया है कि लोहा तब सोना भया, एक नया नारा गढ़ा गया है अखिलेश के लिए, और भी बहुत सारे नारे गढ़े जा रहे हैं। और देखिए अगले आने वाले चुनाव, मतलब ये चुनाव के सभी चरणों में कुछ नए नारे आ सकते हैं, लेकिन जो नारे जेपी के समय में लोकप्रिय हुए, जो नारे इंदिरा गांधी के साथ लोकप्रिय हुए, जो नारे बीपी सिंह के साथ कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है, ऐसे नारे हुए, इन नारों में कुछ जिसको कहते हैं कि सेल्फ लाइफ ज्यादा थी। इन नारों में शिवपाल पहले भी प्रभावशाली नहीं होते थे, अब तो उनका बेचारा सा चेहरा भी हटा दिया गया। मतलब सपा के नारों में सिर्फ चर्चा अखिलेश की ही है। सपा कहें इस पर थोड़ा कंफ्यूजन है, सपा नहीं सपा के गुट के लिए कहें तो ज्यादा बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो वहीं बीजेपी नारे देने में दूसरे नंबर पर नजर आती है। पार्टी ने 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे का चमत्कार देख लिया है, लिहाजा फिर से पार्टी को यकीन है वो यूपी के लिए तैयार नारों के बूते अपनी चुनावी जंग जीत जाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गजब का चमत्कार था इस नारे में, सूखी हड्डियां, भूखे पेट, टूटी सड़कें, डूबे खेत, बिलखते बच्चे, रोती आवाम, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं और ना ही मकान। जो काम ये नहीं कर पाए उससे कहीं बड़ा चमत्कार भगवान श्री राम के नाम ने कर दिया, जिसे आज भी बीजेपी का ही पेटेंट माना जाता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी के पास सबका साथ सबका विकास का भी सदाबहार नारा है, जो इस चुनाव में गूंज रहा है। जहां कोई नारा फिट नहीं बैठता, वहां ये नारा फिट हो जाता है, भारत माता की, भारत माता की। ये नारा भी बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए और पूरी पार्टी के लिए हर जगह लागू होने लगा। इस चुनाव में भी पार्टी इसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। ये तो पुराने नारे थे, लेकिन यूपी चुनाव के संदर्भ में कुछ नए नारे गढ़े गए। ना इकाई, ना दहाई, पूरा दो तिहाई। इसके साथ पार्टी ने पूर्ण बहुमत का आह्वान किया। प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पूरा कर चुकी बीजेपी, परिवर्तन के लिए जन जन का संकल्प, परिवर्तन एक विकल्प का भी नारा दे रही है। पार्टी ने पीएम मोदी के नाम को सामने रखकर लोगों को लुभाने की कोशिश की। सीएम कैंडिडेट घोषित कर जोखिम मोल लेने से बेहतर यही विकल्प बचा था, इसलिए नारा दिया गया, दो बातें कभी ना भूल, नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। साथ आए परिवर्तन लाए, परिवर्तन लाए कमल खिलाए।
पार्टी ने 2014 में अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ सत्ता की मिठाई खाने का अनुभव हासिल किया और तब भी यूपी का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। पार्टी को इस बार भी कुछ ऐसा ही यकीन है, जिसके नारे जितने दमदार उसका वोट उतना ही मजबूत। पार्टियां इस फॉर्मूले को बखूबी समझने लगी हैं, इसलिए बिना नारों के चुनाव में जाने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चरगुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर, साल 2007 में इसी नारे के साथ बीएसपी सत्ता में आई और इस बार फिर कुछ नए नारों के साथ वो तैयार है चुनावों में जाने के लिए। बबुआ के लिए नारे लगे तो बुआ के लिए भी माहौल कुछ कम नहीं था और ना ही अतीत में नेताजी के आगे बहन जी कभी कम नजर आई। 2007 का वो सुपरहिट नारा आज भी बच्चे बच्चे की जुबा पर है, चढ़ गुंडन की छाती पर बटन दबाओ हाथी पर। इसी नारे के साथ बहन जी सत्ता में आई, लेकिन साल 2012 में ये नारा काम ना सका। जंग इस बार नया है, बदला हुआ, इसलिए बसपा ने भी अपना मेकओवर किया नए नारों के साथ। इस बार पार्टी ने मायावती के चेहरे के साथ नारे दिए, बेटियों को मुस्कुराने दो, बहन जी को आने दो। फिर से इस बार सपा सरकार की कानून व्यवस्था पर चोट हो रही नारों के साथ, बहन जी को आने दो, प्रदेश को गुंडे माफिया से बचाने को। तरक्की का यकीन दे रही पार्टी, गांव गांव को शहर बनाने दो, बहन जी को आने दो। क्योंकि बसपा ने लॉ एंड ऑर्डर पर चोट कर सत्ता में वापसी का अनुभव साल 2007 में ही हासिल किया था, पार्टी को भरोसा है कि इस बार भी ये प्रहार सुखद परिणाम देगा। बसपा ने एक नारा ऐसा भी दिया जिसमें एक साथ सारी पार्टियां समेट दी गई, सारे दलों पर निशाना साध दिया गया, कमल साइकिल पंजा सबकी बखिया उधेड़ दी गई, ये कहकर कि कमल साइकिल पंजा होगा किनारे, यूपी चलेगा हाथी के सहारे। मतलब इन नारों ने पहले भी सियासी दलों के लिए मनभावन नतीजे दिए और अब भी इनसे कुछ ऐसी ही उम्मीदें। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। खाद सभा किसान यात्रा के बाद कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया, सूट बूट का भी नारा दिया, लेकिन 27 साल से प्रदेश में सत्ता से दूर बैठी कांग्रेस कुछ नए नारों के साथ बेसब्र नजर आ रही है। सत्ताईस साल बहुत लंबा अरसा होता है, इतने में तो पीढ़ियां बदल जाती हैं, यकीन बदल जाते हैं, नेता नेतृत्व बदल जाते हैं। 27 साल पहले यूपी की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस ने अगर सत्ता में आने का सपना ही देख लिया तो इसमें कोई गुनाह नहीं था। गुनाह नहीं था खाट लुटवाने में, गुनाह नहीं था कार्यकर्ताओं को लड़वाने में। यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ा ही नाटकीय गुजर रही है 27 सालों से सत्ता की जुदाई, इसलिए पार्टी ने उतार फेंकी नाउम्मीदी की लिबास, उतार फेंके पुराने मुखौटे, खाट लेकर 46 साल की उम्र के युवराज निकल पड़े, 78 साल की उम्र वाली एक महिला बनी सीएम उम्मीदवार नए नारों के साथ। सत्ताईस साल यूपी बेहाल, सबसे पहले ये नारा दिया गया। इस नारे से सत्ता में वापसी की बेसब्री साफ नजर आ रही थी। यूपी में इस नाम के सहारे यात्रा भी निकाल दी गई, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की जी तोड़ मेहनत हुई। रंग चटक है या फीका, चुनाव में दिख जाएगा। पीएम के सूट पुट पर भी कांग्रेस ने चुनाव में नारा बना डाला, लाखों के सूट को गरीबों से जोड़कर पार्टी बोली, सूट पुट की सरकार रुलाए गरीबों को बार बार। नोटबंदी के बाद राहुल ने ये नारा दिया और इसके साथ ही नोटबंदी के फैसले को भी चुनावी बना डाला कांग्रेस ने। खाट यात्रा ही नहीं, किसान यात्रा भी लेकर निकले राहुल बाबा। सत्ता में रहते हुए किसानों के मुद्दे पर झेप लेने वाली कांग्रेस किसानों की चिंता में डूबी जा रही थी तो मुंह से एक नारा निकल गया,
कर्जा माफ, बिजली हाफ, एमएसपी का करो हिसाब। वैसे नारे हैं, हकीकत कम, फसाना ज्यादा है, फरेब ज्यादा है, जुमले ज्यादा हैं। इन नारों से इतना भरोसा मत पालिए कि कल टूट कर बिखरे तो जुड़ भी ना पाए। संयम मौन साथ बैठा हो, झूठ कुर्सियों पर बैठा हो, चापलूस हो दरबारों में, खुददारी हो मजधारों में, बलिदानी हो हारे हारे, डाकू भी लगते हो प्यारे, ऐसे होते हैं ये नारे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। वैसे देश की राजनीति में नारों का इतिहास बेहद पुराना रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक चुनाव जीतने और राजनीतिक हमलों के लिए इन नारों का इस्तेमाल होता आया है। सत्ता बदलती रही, समय बदलता रहा, चेहरे चाल सब बदल गए, दल बदलते रहे, लेकिन एक ऐसी चीज जो तब भी उतनी ही जरूरी थी और आज भी, चुनावी नारे। कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी फूहड़, कभी साहित्यिक, सारे समावेश इन नारों में दिखा। देश आजादी के फौरन बाद कम्युनिस्टों ने नारा दिया, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। फिर नारा दिया गया, लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान। 60 के दशक में जनसंघ की उपज हुई, जिसका चिन्ह जलता हुआ दीपक था। भले ही पार्टी छोटी थी, लेकिन कांग्रेस जैसे बड़े दल से लड़ने का मात्रा रखती थी। तब नारा दिया गया, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। कांग्रेस के खिलाफ जनसंघ ने एक और नारा दिया, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की, ये लड़ाई है निर्बल की और बलवान की। इसका जवाब कांग्रेस ने भी नारे के साथ दिया, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। 60 के दशक में ही साम्यवादियों और समाजवादियों ने नारा दिया, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। चुनाव में नारे लगे, खुला दाखिला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की यही परीक्षा। 70 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कई नारे दिए जो आज भी याद किए जाते हैं। संत सुपाने बांधी गाठ, पिछड़े पावे सौ में साठ। 71 का पूरा लोकसभा चुनाव ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाव के नारे पर लड़ा। 74 में जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई तो जेपी ने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। देखिए 70 के दशक और उसके बाद का नहीं अगर देखें तो राजनीति में, तो सन 50 के दशक में भी, 60 के दशक में भी नारे, राजनीतिक पार्टियों के नारे, समाज, राजनीतिक दल और आम जनता के मिजाज को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी जरूरतों को रिफ्लेक्ट करते हैं और उस हिसाब से नारे गढ़े जाते रहे हैं। जो पॉपुलर मूड हो, जो लोकप्रिय मूड है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। दुष्यंत कुमार की एक किताब आई थी साये में धूप, गजलों की, तो उसके हर शेर को नारे बना दिए गए थे। जैसे एक बूढ़ा मुल्क मियां यूं कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, जीपी के लिए कहा गया, इंदिरा गांधी के लिए कहा गया, उनके पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी उन्हें यकीन नहीं, ये नारों में था, ये नारों में तब्दील हो गए। तो अब देखा जाता है कौन सी चीज अपील करेगी वोटर को, किस तरह हम वोटर को लुभा सकते हैं। एक टेंडेंसी क्या हो गई है कि समझते हैं कि वोटर सबसे बड़ा बेवकूफ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है। वो सोचती है कि हमारे जरा से ट्विस्ट ऑफ वर्ड से और कोई लुभावने शब्दों का इस्तेमाल करके या लालच दे करके या ऐसे स्लोगन्स बना करके कि पब्लिक बेवकूफ बन जाएगी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के खिलाफ नारे लगे, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मेरा मर्द गया नसबंदी में। 70 के दशक में इंदिरा को रायबरेली से हराने में नारों की बड़ी भूमिका रही। उनमें से एक नारा था, एक शेरनी सौ लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इमरजेंसी के दौरान एक और नारा आया, जगजीवन राम की आई आंधी, उड़ जाएगी इंदिरा गांधी। आकाश से कहे नेहरू पुकार, मत कर बेटी अत्याचार। 80 और 90 के दशक में ये नारे और साहित्यिक और आक्रामक होते चले गए। दौर ऐसा भी आया जिसमें कांग्रेस का शरण होने लगा। तत्कालीन यूपी सरकार के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया, सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। कांग्रेस ने विपक्ष के खुले चैलेंज को स्वीकार किया। 80 के दशक में जनता पार्टी के महज 2.5 साल के शासन के खिलाफ कांग्रेस ने नारा लगाया, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, इंदिरा लाओ देश बचाओ।
नारों के जरिए राजनीतिक घरानों या नेताओं की आंखों का तारा बनने का दौर भी देश ने देखा। अमेठी में जगदीश पीयूष नाम के एक कार्यकर्ता ने तो गांधी परिवार पर नारों को लेकर पूरी किताब ही लिख डाली, जिसमें जवाहरलाल से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्रियंका तक को शामिल किया गया। पीयूष ने लिखा, देश की आंधी राजीव गांधी, देश का डंका बेटी प्रियंका। सत्ता में थी तब, उसके बाद जब विपक्ष ने उसको दिया, चैलेंज किया, तो कांग्रेस ने ये नारा भी दिया कि सारे देश से नाता है, सरकार चलाना आता है। ये कांसीराम के साथ जब गठबंधन हुआ तो कांसीराम मिल गए, कांसीराम मुलायम, सब लोग हवा हो गए, इस तरह के नारे आए। 70 के दशक में गरीबी हटाओ एक नारा था। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम कहते हैं गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, ये एक नारा था। ठीक है, 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। बीजेपी ने लोगों को जोड़ने के लिए कहा, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिसके विरोध में काशीराम और मुलायम एक हुए और नारा दिया गया, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1995-96 में नारा खूब मशहूर हुआ, अब की बारी अटल बिहारी, भारत माँ के तीन धरोहर अटल, आडवाणी मुरली मनोहर, कहो दिल से अटल फिर से। वक्त के हिसाब से नारे गोलबंदी और गुस्से का भी प्रतीक बन गए। 90 के बाद बीएसपी ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। उसके तुरंत बाद अब राम जन्मभूमि का भारतीय जनता पार्टी आई, लेकिन जब उसके बाद में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियां इकट्ठा हुई, मैंने खास तौर पे जो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का जब मिलन हुआ तब उन्होंने जो नारा दिया कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। एकदम प्रारंभ में जब कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से ऐसी पार्टी थी कि उसको हटाना बड़ा मुश्किल था, तब समाजवादी पार्टी या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन लोगों ने जब सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ में सरकार बदलने की बात की तो उन लोगों ने ऐसे इस प्रकार के नारे तैयार किए, सरी गरी सरकार को एक धक्का और दो, मतलब अब एक कांग्रेस का जो कुशासन हो गया है। मतलब दौर कोई भी हो, नारे गढ़े गए और इनके आधार पर वर्ग विशेष, जात विशेष और संप्रदाय विशेष को लुभाने में कुछ कामयाब भी हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो ये भी चुनावी नारों पर हमारी खास पेशकश, फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस। जय श्री राम।